क्रिसमस डे को लेकर ईसाई समाज ने चर्च को सजा कर तैयार कर दिया है। चर्च के सामने दुकानें वगैरह सज गई हैं, जहां पर ईसाई समाज ही नहीं सभी धर्म के लोग खरीदारी कर रहे हैं। चर्च के पादरी के अनुसार वे 1 दिसंबर से ही इस त्यौहार को मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। क्रिसमस डे पर पूरे देश में ईसाई समाज ही नहीं बल्कि हर समाज बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं, लेकिन ईसाई समाज इस त्यौहार की 1 माह पहले से ही तैयारियां शुरू कर देता है, क्योंकि चर्च की रंगाई व उसे सजाने में काफ़ी समय लग जाता है। अम्बाला में भी चर्च को सजाने की तैयारियां काफ़ी दिनों से चल रही हैं, जो अब सज कर तैयार हैं। पच्चीस दिसंबर हम सबों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है और इसकी तैयारी हम आज केवल नहीं कर रहे हैं, हम लोग 1 दिसंबर से हम लोग करते हैं। 1 दिसंबर यानी आगमन, हमारे जो प्रभु ने मनुष्य रूप धारण करके हमारे बीच में आए यीशु मसीह के जीवन में, उसका जन्मदिन मनाने की तैयारी हम लोग 1 दिसंबर से करते हैं। और तैयारी किस तरह से करते हैं 1 दिसंबर से, हम प्रार्थना करते हुए, हम प्रार्थना करते हैं और पेनेंस भी करते हैं ताकि हम प्रभु के करीब रहें और उनके जन्म उत्सव को हम अच्छी तरह से मना सकें। प्रभु इस दुनिया में जन्म लेने का एक ही मकसद है कि हम सब को किस तरह एक प्यार का जीवन जिए, हाउ वी शुड बिकम लविंग पर्सन, दैट इज़ द मैसेज गॉड केम टू द वर्ल्ड टू गिव अस। ओके, सो एवरी टाइम वी सेलिब्रेट क्रिसमस हम लोगों को यही संदेश दिया जाता है कि हम लविंग पर्सन बने, एक प्यारा व्यक्ति बने, परिवार में, काम के स्थान में या कहीं भी हैं, हम एक प्यारा व्यक्ति बने, वही संदेश हम सबों को देता है। और मैं यहाँ हमारे होलीडमा चर्च के पुरोहित हूँ और आप सबों से भी मैं यही संदेश देता हूँ कि इस क्रिसमस के समय में आपके जीवन में, आपके परिवार में वही प्यार बने रहें और उसी प्यार के साक्षी आप बने रहें व्यवहार से। यही है मेरा क्रिसमस संदेश आप सबों के लिए और आप सबों को मैं हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर का शुभकामनाएं देता हूँ। आज रात सेलिब्रेट करेंगे आप इसको? मैंने आज रात है ये रात्रि जागरण, ठीक है, रात्रि जागरण यानी हम लोग 10 बजे कैरल्स शुरू करेंगे, कैरल्स गीतों के द्वारा शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग का प्रेयर मिस्सा पूजा होती है, करीबन 12 बजे ख़त्म होगा, ठीक है। तो आज रात हम लोग उस मेरा नाम है फादर पतरस मुंडू, कैथोलिक चर्च होलीड में, कैथोलिक चर्च के पल्ली पुरोहित। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर मेरा नाम राहुल है और मैं यहाँ पर अपने स्कूल के बच्चों के लिए ड्रेसेस वगैरह देखने आया था और उनके लिए गिफ्ट वगैरह लेने आया था और अपनी गाड़ी के लिए यहाँ पर जो डेकोरेशन का सामान है वो लेने आया था। क्रिसमस जो सेलिब्रेशन है हमारा उसके लिए हम डेकोरेटिव ट्रीज, डेकोरेटिव आइटम्स लेने आया था मैं यहाँ पर। मेरा नाम रॉबिना मेरी है, मैं इस चर्च से बिलोंग करती हूँ, छोटे से चर्च से आ रही हूँ। हम लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि हर साल करते आए हैं, तो इस साल भी हम लोग को तैयारियों में लगे हुए हैं सारे के सारे, हम इस सबको डेकोरेट कर रहे हैं। लेकिन आप जो देख सकते हैं चर्च, कितने दिन का तैयारी ये हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गया, 1 महीने से ज़्यादा हो गया। हम लोग 24th की नाइट को सेलिब्रेट करते हैं, मास होता है रात को 10:30 बजे से 11 बजे तक कैरल्स होती है, उसके बाद 12 बजे मास होती है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।